हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी अपनी किचन में, जिसमें आज हम बनाएंगे जीरा राइस। जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और क्योंकि उसमें जीरा ऐड है तो वो हमारे चावल को बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है और ना ही कोई स्पेशल तरीका हम अपनाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम आपको जीरा राइस बनाना सिखाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी चावल को भिगो के रख दिया है। चावल हमें 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे चावल अंदर से जब हम कुक करें तो फूल जाए। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अपनी जीरा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गरम पैन के अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। चावल आप जब भी बनाएं देसी घी में ही बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, यहाँ मैं MDH का हींग यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा और इसमें डालिएगा खूब सारा जीरा, क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा हमारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे अपने भीगे हुए चावल। यहाँ मैंने पानी को ऑलरेडी मेज़र करके रखा हुआ था, तो मैं आपके लिए भी बता दूं कि आप जितना चावल लें उतना ही पानी, उससे डबल पानी लें। मतलब अगर 1 कटोरी आप चावल भिगो रहे हैं तो 2 कटोरी पानी डालेंगे तो आपके चावल बिल्कुल ही सही बनेंगे, एकदम एक्यूरेट बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। अब एक उबाल आने के बाद हम अपने कुकर के लिड को बंद कर देंगे और 1 से 2 विसल आने तक हम इसे कुक करेंगे। एक बार हिला देते हैं और अपने कुकर के लिड को बंद कर देते हैं। अब इसमें 1 से 2 विसल आने तक हम कुक करेंगे। कुकर में 1 से 2 सीटी आ गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बनकर तैयार हैं। अब हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं। मेरे जीरा राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरी ऐसी ही टेस्टी इजी रेसिपी आप तक पहुँच सके। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।